नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल ज्ञान अभियान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बोर्ड एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और इस बार के एडमिट कार्ड्स में कई सारे बदलाव आए हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं सारे बदलाव के बारे में बात करेंगे और कुछ नए इंस्ट्रक्शंस भी आए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को भी हम आपको बतलाएंगे, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव एडमिट कार्ड में आया हुआ है वो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है। इस बार आपके एडमिट कार्ड के ऊपर पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ होगा और साथ में उसका कौन सा कैटेगरी, मतलब आपको किस तरह की सहायता चाहिए, वो पहले से उसके ऊपर लिखा होगा। ठीक है, उसमें पांच तरह के सहायता की बात की गई है जो मैं आपको बताने वाला हूं और वो पांचों तरीका आप जान लें। अगर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर पहले से ये इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने स्कूल में जाएं और उसको फिर से सही करवाएं, एडमिट उसमें रेक्टिफाई करवाएं, जो गलतियां हो रखी है उसको सही करवाएं। तो इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपके समझ में एक एक पॉइंट आ जाएगा और आप प्रत्येक चीज को तरीके से जान पाएंगे और आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स के लिए और पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिट कार्ड के ऊपर ये पांच तरह के इंस्ट्रक्शंस लिखे हो सकते हैं, पांच में से कोई एक या एक से ज्यादा। तो हम पहली बात करते हैं पहले इंस्ट्रक्शंस का। तो पहला लिखा होगा एस, एस का मतलब होगा स्क्राइब, इट मीन्स अगर आपको एक्स्ट्रा लेखक की जरूरत होगी तो वहां आपके एडमिट कार्ड पे पहले से एस लिखा होगा और आप अपने साथ एक लेखक को ले जा सकते हैं और आप उससे लिखवा सकते हैं। दूसरा, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ई लिखा होगा अगर आपको ई की जरूरत है, इट मीन्स एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है। आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और आपको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है तो आपके एडमिट कार्ड पे पहले से ई लिखा होगा और एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम जो भी आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा या फिर जितने की जरूरत होगी वो आपको दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है जिसमें ए लिखा होगा और ए का मतलब होगा असिस्टिव डिवाइस, इट मीन्स अगर आपको किसी भी तरह के डिवाइस की जरूरत है एग्जामिनेशन हॉल में, जो आपको ले जाने की परमिशन तभी दी जाएगी जब आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ए लिखा होगा। तो इस तरह से ये तीन पॉइंट्स हो गए। अब चौथा पॉइंट है, तो वो चौथा पॉइंट है एल, और एल का मतलब होगा लार्ज फॉन्ट। लार्ज फॉन्ट का मतलब बड़े बड़े अक्षर। अगर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर एल लिखा होगा तो आपका जो क्वेश्चन पेपर या जो भी चीज है वो आपको लार्ज फॉन्ट में, बड़े बड़े फॉन्ट्स में मिले। और पांचवा और सबसे अंतिम पॉइंट्स जो ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बताने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से आप सुनते रहें। तो पांचवा जो पॉइंट्स पी, इट मीन्स अगर आपको किसी सहायक की जरूरत होगी एग्जामिनेशन हॉल में तो आप उसे ले जा सकते हैं, लेकिन वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर पी लिखा होना चाहिए। ये तो था पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अब बाकी और बातें हम करेंगे। जो दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव आया हुआ है एडमिट कार्ड के ऊपर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव है कि इस बार बिना पेरेंट्स के सिग्नेचर के आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ पाएंगे, इट मीन्स आपके एडमिट कार्ड के ऊपर पेरेंट्स के सिग्नेचर होना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। और ये सारे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए, किसी एक कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये सारे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए कि आपके एडमिट कार्ड्स के ऊपर पेरेंट्स का सिग्नेचर होना बहुत ही जरूरी है। तो आप सिग्नेचर कराना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे जैसे आप स्कूल से एडमिट कार्ड लेकर आते हैं, और आप उस एडमिट कार्ड की पहले जांच कीजिए कि उसमें कहीं कोई गलतियां तो नहीं है। अगर कोई गलतियां हैं तो आप स्कूल में जाकर उसको सही करवाएं, आप उनको रिक्वेस्ट डालें कि वो आपका वो सही कर दें, और फिर जब आप वो दूसरा नया लेकर आते हैं या फिर आपका अगर सही होता है तो उसके बाद अपने एडमिट कार्ड में जो पेरेंट सिग्नेचर का कॉलम है उस जगह पर पेरेंट सिग्नेचर कराना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप भूल जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत आएगी, वहां आपको बैठने नहीं, एग्जाम देने नहीं दिया जा सकता। वो मुख्य बदलाव थे जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं बोर्ड की तरफ से जो कि आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। उसमें जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन ये है कि आप इस बार जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको स्कूल ड्रेस में होना बहुत ही जरूरी है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का ड्रेस पहनकर ही आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे, अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हो सकता है कि आपको रोक दिया जाए और आपको नहीं जाने दिया जाए, ये आपके स्कूल्स में भी आपको बताए जाएंगे।
फिर भी मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको बता दूं, आप जागरूक हो। आप जब एग्जामिनेशन इस बार देने के लिए जाएंगे, जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, तो आप स्कूल ड्रेस पहन कर जाएंगे। ये तो पहला इंस्ट्रक्शन था। दूसरा इंस्ट्रक्शन था, आप अपना स्कूल आई कार्ड ले जाना, नहीं भूलेंगे। आपको अपना स्कूल आई कार्ड भी ले जाना जरूरी है एडमिट कार्ड के साथ में। और तीसरा और महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आपको एडमिट कार्ड के साथ में अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना जरूरी है। तो आधार कार्ड तो आज के डेट में सभी के पास है, तो अपने आधार कार्ड को अपने पॉकेट में डालना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले। तो ये बहुत ही आवश्यक इंस्ट्रक्शंस है बोर्ड की तरफ से, जो कि आपको फॉलो करना ही होगा और करना भी चाहिए। दूसरा और महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किसी भी तरह के गैजेट्स नहीं ले जा पाएंगे। मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, ईयरफोन्स या इस तरह के कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैलकुलेटर्स वगैरह आप नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप ले जाते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा और महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है समय से संबंधित इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपको फॉलो करना चाहिए हमेशा, जैसे जीवन में भी करना चाहिए, लेकिन इस बार सीबीएसई ने बिल्कुल ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको समय को फॉलो करना पड़ेगा। आप 9:45 तक एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आ जाएं, 9:45 तक आप प्रवेश कर जाएं, और 10 बजे के बाद आपको किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप 9:45 से पहले ही आ जाएं एग्जामिनेशन सेंटर पे, और आप 9:45 के पहले पहले या जब भी वहां प्रवेश का अंतिम समय होता है उससे पहले प्रवेश कर लें, अन्यथा आपके एग्जाम्स छूट जाएंगे और आपके साल बर्बाद हो जाएंगे। और आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप सीबीएसई के साइट्स पर देख सकते हैं, या फिर आपके एडमिट कार्ड के पीछे भी लिखा हो सकता है। आप प्लीज उन्हें देखें और समझें और उनको फॉलो करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा और आप अपने जीवन में काफी आगे तक बढ़ेंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप कुछ बेहतर करके आए और अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाए, ये मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।